के हम नहाने जाएंगे। उसके बाद मुझे आज अचार में मसाला लगाना है। कल अचार शाम को मंगाए थे, जैसा कि आप लोग मेरे लाइव में देखे थे, तो उसको दिखाएंगे आज आपको ब्लॉग में अपने। अभी मेरा रेसिपी का कभी बर्तन हो गया। हफ्ते में एक दिन हम नींबू से या दो दिन नींबू से या खटाई से धुलते हैं और डेली ऐसे सर्फ लगा के धो देते हैं। पूजा का अलग से कपड़ी के सर्फ रखे हुए हैं और उसको तब तक जब हम हाथ वाले आएंगे तब तक ये सूखा रहेगा बर्तन, अच्छा रहेगा, जीता नहीं रहता है। नहाने के बाद आपसे फिर मिलेंगे हम, ठीक है। तो अभी पूरा बंद कर लेते हैं, जैसे कि नाता कर जाते तो मिलते हैं। हाँ लो यार, बैठ ही जाओ, नहीं तो फिर तुम उठती नहीं हो, हमको पकड़ के उठाना पड़ता है। बैठा ही नहीं जाता है जब तक किसी चीज पे बैठे ना, बूढ़े हो गए हैं ना। चलो आज हम बताते हैं देसी अचार डालने का तरीका, बिहारी स्टाइल। तो सुबह का काम खत्म हुआ, खाना पीना हो गया, लाइव हो गया, अब उसके बाद चलो अपना इसको, इस अचार को कल हम धो के और इसमें हल्दी नमक डाल के रख दिए थे। सुबह पानी निकला, उसको पानी को निकाल के फेंक दिए और इसको हम धूप में रख दिए थे 2-3 घंटा। इसमें का सारा पानी सूख गया है। अब इसमें हम मसाला मिक्स करते हैं। दिखाओ तो बेटा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये सरसों को पीस के रख लिए थे, सरसों डालेंगे अपने जितना, मेरा 2 kg आम मंगाए थे, इससे ज़्यादा नहीं मंगाए थे, कोई खा नहीं रहा। कूचा डालेंगे तो आपको तो डाल दिखाए थे। इसमें हम सरसों को भूनते नहीं हैं, ऐसे ही कच्चा सरसों था और इसको हम पीस के लिए हमारे, और इसमें अभी पीसे हैं धनिया भूंज के और ये मेथी भूंज के इसका पाउडर बना लिए हैं, धनिया और मेथी का पाउडर। हमको कम लगेगा तो बाद में और डालेंगे, ठीक है। इसके बाद से ये है मंगरेला, थोड़ा सा ये अचार में मस्ट होता है, अचार को टेस्ट दुगना बढ़ाता है। ये है अजवाइन, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। हल्दी तो ऑलरेडी डाले हैं लेकिन थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए और डालेंगे। और ये रहा मिर्ची पाउडर जो आप तीखा खाते हैं, तो तीखा डालिए मिर्ची पाउडर। और उसके बाद हम डालते हैं नमक, लग रहा है आँख में लग रहा है। उसके बाद हम नमक डालेंगे, नमक जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा होगा। नमक एक आपको चीज़ बताते हैं, अचार में नमक जितना डालेंगे ना, मतलब अनुसार के स्वाद अनुसार या फिर क्वांटिटी, आम के क्वांटिटी के अनुसार अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। अचार में नमक डालना चाहिए। लोग कहते हैं कि अचार में नमक हिसाब नहीं, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना अचार आपका कभी नहीं ख़राब होगा। अब देखिए हम कैसे लग रहे हैं, पसीने से लथपथ। और इसमें अब तेल डालेंगे, पास से दिखाओ तो सभी, थोड़ा सा भी हम तेल डाल के इसको, मेरी लाल मिर्च, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। तेल जब इसका जब पक जाएगा ना अचार, तेल अच्छा आएगा, तेल करें सॉरी कलर अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च जरूर डालिए, हम सारे अचार में डालते हैं अपने। इसको चला के इसको धूप में रख देते हैं। ये हो गया गाइस आपका अचार तैयार, लेकिन खाने लायक अभी नहीं हुआ। इसको धूप में 5-6 दिन रखेंगे तब ये थोड़ा जाके पकेगा। अचार थोड़ा पुराना हो जाता है, 2-4 महीना तब अच्छा लगता है, तब ये पक जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा और ये आपका अचार आपका रेडी। तो ये हम बताएं इतना अभी से ही सुंदर लगने लगा। तो इसको हम धूप में ढक के ऐसे ही रख देते हैं, शाम को इसको इसके बर्तन में जार में करके रखेंगे। तो हम कितने दिन से बोलते बोलते कल ये हमारे हस्बैंड लाएंगे, नहीं लाएंगे तो तुम बोलती रहोगी। तो आप लोग ये अचार डाल दीजिए, आज अचार का सीज़न यही है। फिर 8 दिन में 10 दिन में बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर अचार नहीं डाल पाएंगे और ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़ आप लोग अचार डालना सकते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। हमारी ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये बिहारी स्टाइल है। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना है, गर्मी से हालत ख़राब है,